आपने भी कभी फार्ट करते वक्त एम्बेरस फील किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। बोलते हैं कभी पार्टी में तेज म्यूजिक चल रहा हो, हाँ। उसकी आड़ में कभी फाट किया है। और आज हम देखेंगे कि why people fart। आपको पता है हम कभी भी खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में बहुत सारी गैस प्रोड्यूस होती है और ये गैस बॉडी से बाहर रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो ये गैस जब बॉडी में एनस के थ्रू बाहर निकलती है तो उसे हम साइंस में फ्लैटुएंस या जिसको कॉमन लैंग्वेज में लोग फार्ट बोलते हैं वो कहा जाता है। और वही गैस अगर आपके माउथ से रिलीज होती है तो उसे हम बर्ब्स बोलते हैं या डकार बोलते हैं जिसको। तो ये गैस दो तरीके से बनती है, पहले तो आपके बॉडी में गैस जो जाती है उसको हम एक्सोजीनियस गैस बोलते हैं और एक गैस जो बॉडी में इंटरनली प्रोड्यूस होती है उसे एंडोजीनियस गैस बोलते हैं। अब एक्सोजीनियस गैस आपके बॉडी में कैसे जाती है, अगर आप सिप करके कोई भी हॉट चीज़ पीते हैं तो, अगर आप स्ट्रॉ से कोई लिक्विड कंज्यूम करते हैं तो, अगर आप च्युइंगम्स खाते हैं तो, आप खाना खाते वक्त बात करते हैं तो, ये सारे केसेस में इनफैक्ट जब आप स्मोक भी करते हो तब आपके बॉडी में जो गैस एंटर होती है ये सारे गैसेस को हम एक्सोजीनियस गैस बोलते हैं। दूसरा आता है एंडोजीनियस गैस, ये कब प्रोड्यूस होता है, जैसे मैंने बताया आप कोई भी खाना खाते हैं वो खाना में से जो कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन होता है वो आपके बॉडी में जाके जब डाइजेस्ट होता है तो आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और ये गैस एंडोजीनियस गैस में आता है। अब ये दोनों गैसेस को बॉडी से बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी होता है एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। इनफैक्ट जीआई सोसाइटी ये बताती है कि कुछ पर्टिकुलर फूड्स खाने से कुछ लोगों में गैस की प्रॉब्लम हो सकती है बट वही फूड्स कोई और पर्सन खाता है तो सेम इफेक्ट नहीं होता। मैं यहाँ पे आपको एक कुछ लिस्ट बताऊंगी जो फूड्स खाने से यूजुअली लोगों को गैस इश्यूज ज़्यादा होते हैं और फ्लैटुएंस का प्रॉब्लम फेस करते हैं। सबसे पहले होल ग्रेन्स आते हैं जैसे कि वीट, सेकेंड यू हैव वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकोली कैबेज, तीसरा फ्रूट्स जैसे कि एप्पल पियर या पीचेस आप कुछ खाते हैं तो भी आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, चौथा जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनके बॉडी में गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, फिफ्थ में आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाने से भी कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, और सिक्स देखेंगे तो अगर आप गम्स या कैंडीज खाते हैं जिसमें शुगर हो या स्वीटनर ऐड किया होता है जिसका नाम ओएल से एंड होता है, ज़ाइलिटॉल सॉर्बिटॉल ऐसे नाम के अगर स्वीटनर्स है तो वो केस में भी आपके बॉडी में गैस ज़्यादा बन सकती है। अब फीमेल्स में पाया गया है कि जब वो मेंस्ट्रुअल फेज में होते हैं या मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले इनके बॉडी में ब्लोटिंग और फ्लैचुएंस ज़्यादा होता है। यूजुअली आप देखोगे तो एवरी हेल्दी इंडिविजुअल फार्ट्स बट कुछ लोगों में ये फ्लैचुएंस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो ये तीन कैटेगरी होती है जिनके बॉडी में गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। पहली हेल्थ कंडीशन है लैक्टोज इंटॉलरेंस। मिल्क में लैक्टोज नाम का एक कंपोनेंट होता है और जब लैक्टोज इनटॉलरेंट लोग ये मिल्क या मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उनके बॉडी में जो एंजाइम ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है वो एब्सेंट होता है या बहुत कम होता है जिसकी वजह से लैक्टोज ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा गैसेस और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकेंड होता है फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये केस में जो फ्रुक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम होता है वो लैक करता है तो वो केस में फ्रुक्टोज रिच फ्रूट्स या कोई भी फूड्स खाते हैं तो उनको भी गैस ब्लोटिंग जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और तीसरा हेल्थ कंडीशन है सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज को हम ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी बोलते हैं तो वो लोग जो ग्लूटेन को सेंसिटिव है और वो वीट राई बार्ली जिसमें ग्लूटेन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनको भी गट में इन्फ्लेमेशन होती है और उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग और गैसेस का प्रॉब्लम होता है। आप बहुत ऑफन फार्ट करते हैं या पब्लिक प्लेसेस में आप बहुत ज़्यादा फार्ट करते हैं तो ये रहे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जिससे आपकी फार्टिंग आप कम कर सकते हैं। सबसे पहला यू हैव टू अवॉइड टॉकिंग व्हाइल यू आर ईटिंग। जब भी आप खाना खा रहे हो मेक श्योर आप बात नहीं कर रहे। सेकेंड, आप कोई भी ड्रिंक ले रहे हो जूसेस ले रहे हो तो आपको स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना है, उसको डायरेक्टली ग्लास से पीना है। तीसरा, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए। चौथा, च्युइंग गम्स नहीं खाने हैं। पाँचवा, अगर आप बहुत रश में है या बहुत जल्दी में है तो उस टाइम पर आपको कुछ खाना नहीं है। सिक्स, जैसे आप गरम गरम चाय या कॉफ़ी को सिप करके पीते तो वो अवॉइड करना, इंस्टेड उसको लुकवार्म होने दीजिए फिर आप उसको पी सकते हैं। सेवन्थ, बॉटल होती है उससे डायरेक्टली पानी नहीं पीना है, आप उसको ग्लास में पोर करके फिर वो पानी ड्रिंक कीजिए।
एट बताऊं तो स्लोली खाना खाइए, नाइन्थ एक्सरसाइज मोर, एंड टेंथ आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फिजी ड्रिंक्स को टोटली अवॉइड करना है। अगर आप नॉर्मल फैट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया 15 to 25 times इट इज कंसिडर्ड हेल्दी, उससे ज्यादा अगर आपको गैसेस हो रहे हैं कंसल्ट योर डॉक्टर। एंड सेकेंड, अगर आपको गैसेस के साथ साथ पेट में दर्द होता है या आपको डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो भी अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। फॉर मोर रिलेटेड टिप्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।